नमस्कार, इस डीप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। कोरोना के आगे सब फेल, सदन में बोले नीतीश, पता नहीं कब किसे हो जाए। जब कम और ज्यादा उम्र को लेकर भिड़ गए तेजस्वी और मंगल पांडे, विधानसभा में दिखा यह नजारा। सदन में लालू के नाम पर हंगामा, तेजस्वी ने मंत्री संजय झा और नंद किशोर यादव को बर्खास्त करने की मांग की। रक्षाबंधन पर सीएम नीतीश ने राजधानी वाटिका में वृक्ष में बांधी राखी, डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। आज रक्षाबंधन के मौके पर राजधानी वाटिका 2 में पीरों को रक्षा सूत्र बांधकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने वृक्षों एवं पर्यावरण की रक्षा का संकल्प दोहराया। वहीं सीएम ने इस मौके पर वाटिका में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृक्षों की रक्षा करने की अपील की। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि इस साल कोरोना संकट को देखते हुए किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। रविवार को डिप्टी सीएम ने बिहार की जनता से अपील किया था कि रक्षाबंधन के मौके पर आप अपने आसपास घरों में मौजूद वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों को बचाने का संकल्प लें। बिहार में कोरोना के हालात को लेकर राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान चर्चा हुई। विधान परिषद में इस मसले पर काफी देर तक चर्चा हुई। सरकार की तरफ से पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आंकड़े रखे और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विस्तार से जवाब दिया। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना कब किससे कहां हो जाए यह नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार ने कहा कि आज देश के बड़े से बड़े लोग और आम लोगों को कोरोना अपनी जद में ले रहा है और पता नहीं कब किसको संक्रमित कर दे। अब ये अगर जांच इसलिए करवाना जरूरी है कि जांच करवाने से जो पॉजिटिव है उसके लिए अलग इंतजाम किया जाएगा। अगर हम लोग ये जांच नहीं करें तो जितने लोग, अब कब तक लोगों को रहना पड़ेगा और राहत केंद्र और कितना बढ़ेगा इसको कोई नहीं जानता है। अभी की संख्या इतनी है, ये मान करके मत चलिए, ये संख्या बहुत बढ़ेगी जो भी संभावना होगी उसके मुताबिक। तो वैसी स्थिति में भाई, अगर हम लोग जांच नहीं करेंगे तो बाकी सब लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए एक एक का जांच करना भी जरूरी है, तो उस हिसाब से भी हम लोगों ने कर दिया है। तो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब जरूरत इस बात की है। अब इस बार तो चुनाव का साल, अब क्या होगा इलेक्शन कमीशन जाने। कई तरह की बातें हैं जो ऐसी स्थिति, अब कब तक ही बढ़ता जाएगा कोई जान रहा है। अब ये जो हम लोगों को तो इतना लगता भी नहीं था, लगता था बढ़ेगा जरूर, लेकिन जो जून और जून से जुलाई में जो बढ़ा है, अब प्रतिदिन अब जांच ज्यादा हो रही तो पता चल रहा है, अगर जांच कम होगी तो पता भी कम चलेगा। इसलिए बात सही है और जांच हर जगह ये करा के पॉजिटिव वाला, लेकिन अब तो इन लोगों ने कहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है कि आरटीपीसीआर भी 20,000 अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग और कराएंगे। हम लोगों का तो फर्ज यही, दायित्व यही है कि सबकी रक्षा करें। तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग अगर टेस्ट करते चले जाएंगे, ठीक है नंबर बढ़े, लेकिन उसमें बढ़ने के बाद जो प्रभावित लोग होते हैं वो दो प्रकार के लोग होते हैं। अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि जितने लोगों का डेथ हुआ है उसमें से लगभग 200 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अन्य प्रकार की भी बीमारियां। तो इस बात को जानते हुए एक एक चीज का ख्याल रखना। आ कितना दुखद है, हम लोगों के एमएलसी का डेथ नहीं हुआ, कितने हैं सुनील जी का दरभंगा के, किन लोगों का आज आप बताइए। सेक्रेटरी थे सीपीआई के सत्यनारायण बाबू, उनका डेथ हो गया। कब किसका डेथ हो जाएगा, क्या स्थिति होगी, इसके बारे में कुछ नहीं। इसके लिए हर तरह की तैयारी करनी है, लोग लगे हुए हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र की बैठक कर भले ही एक दिन चली, लेकिन इस दौरान तरह तरह के नजारे देखने को मिले।
विधानसभा में कोरोना महामारी पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भिड़ गए। दोनों के बीच कम और ज्यादा उम्र को लेकर बहस हो गई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर यह कहते हुए तंज कसा कि वह पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों का हाल देखने जा रहे हैं। मंगल पांडे को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने खड़े होकर तेजस्वी से पूछ डाला कि वह अब तक अस्पताल क्यों नहीं गए। मंगल पांडे की इतना कहते ही तेजस्वी यादव भी पलटवार के मूड में आ गए। तेजस्वी ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछ डाला कि महीनों बाद कोरोना मरीजों का हाल जानने क्यों निकले हैं और मुख्यमंत्री अब तक के अस्पतालों का दौरा क्यों नहीं कर रहे। मंगल पांडे भी तेजस्वी के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान काफी देर तक विधानसभा में शोर शराबा होता रहा। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मंगल पांडे जी धन्यवाद देते कि 4 महीने में आप पहली बार गए थे एनएमसीएच, 4 महीने बाद आपको याद आया एनएमसीएच जाना पीपी किट पहन करके। नेता प्रतिपक्ष को तो अभी तक याद नहीं आया, उससे उम्र में 20 साल छोटे होंगे। मैं तो 5 दिन गया पीपी किट पहन के, 1 दिन आप भी चले गए होते, मरीजों से मिल लिए होते तो अच्छा होता। आप बहुत लेट गए। तो आप समझ रहे महोदय, यानी मान लिए कि 5 बार गए। ताली मारे हैं। आप तो एक बार देखे हैं नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपके जाने के बाद तो और पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया। एक दिन नहीं गए। मुख्यमंत्री कितनी बार गए? मुख्यमंत्री जी कितनी बार गए? मैं अभी भी कहूंगा कि आप जरूर पीपी किट पहन के जाके मरीज का हालचाल लीजिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कितनी बार गए? मैं कहूंगा महोदय नेता प्रतिपक्ष को जाके। नहीं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कितनी बार गए आप बताइए। नहीं नहीं, सुनिए चुपचाप से। सरकार है आप है सरकार। ठीक है महोदय, 4 बार गए। ठीक है तेजस्वी जी, आप कोई मापदंड होना चाहिए, कितना बार जाना चाहिए, कितना बार जाना? बोलिए बोलिए तेजस्वी जी, आप अपनी बात समाप्त। आपस में बातचीत जैसे कहने का सिलसिला। मंगल पांडे जी से मेरी कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती है किसी भी विषय में, लेकिन आज हम यहाँ नेता प्रतिपक्ष महोदय, वो स्वास्थ्य मंत्री है। हमने आप बताइए कि कौन सा हमने कटाक्ष किया है? ये लोग तो मेरे पे निजी हमला बोलते हैं। हमने कौन सा निजी हमला बोल दिया इतने देर में? कौन सा निजी हमला बोला महोदय? 4 बार गए 5 बार गए, कब गए? तो 4 महीना बाद गए। ठीक, तो महोदय कंक्लूड करेंगे, दो चार मिनट ज्यादा हम नहीं लेंगे। महोदय हम आपको बताएं कि हमारा जो एक्सपीरियंस लगभग जो है जो 5 साल में 20 साल का हो गया अनुभव हमको, तो महोदय हम तो गंगा और गंडक की मिट्टी में पले बड़े, और महोदय माता पिता ने बिहार की जनता का दर्द बांटना हमको सिखाया, हम वो काम कर रहे हैं। चाहे पीड़ितों के बीच जाना हो या ना जाना हो, या कुछ गलती भी हुई तो उसको हम सुधारने की कोशिश किए, लेकिन बात होती कि ये लोग तो गलती मानते ही नहीं है। इन लोगों से आज तक 15 साल में कोई गलती हुई नहीं है, कोई गलती नहीं हुई। चाहे बालिका गृह मुजफ्फरपुर हो या कुछ हो, कोई गलती नहीं हो सकता आप लोगों से। सृजन घोटाला हो, नहीं हो सकता, गलती हम ही लोग से हो सकता है ना। हम ही लोग गाली खा रहे, ठीक है। CBID हम ही पे मुकदमा करेगा, ठीक है, हम पे करा या किसी और पे करा, परिवार के लोगों पर। आप लोग पे कितना 57 घोटाले हो गए, कितना लोग पे हुआ? कोई आंकड़ा बता दे तो। कोई नहीं बता सकता महोदय। हालांकि जितना इन लोगों का आलोचना का महोदय धार तेज होगा, उतनी ही मेरी रफ्तार तेज पकड़ेगी बहुत। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सारी विषय को लाए हैं हम लोग, लेकिन बाहर में पन्नी हो या कुछ हो, कुछ कहां मिलता है चौके तो महोदय। हम बस इतना चाहते हैं, हम लोगों ने जो भाषण जो है सरकार का सुना था पिछले सत्र में, आपको बताए हैं हम कौन से सत्र में सुने थे, वो 16 तारीख को सुने थे हम लोग। मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कराए महोदय 45 दिन बाद। आपको हम दिल से धन्यवाद देते कि आप सजग रहे, कंसर्न थे मैटर को लेकर, लेकिन उसके बाद कब हुआ? ऑल पार्टी मीट कब हुई?
बुलाना चाहिए था ना। विपक्ष जो है सरकार का ही अंग है ना, और ये तो हम विधानसभा में देखे लिखा हुआ है विपक्ष जो है वो सरकार का अंग है। सुझाव लेते मानते, बुलाइए, राय लीजिए, अगर आपसे नहीं संभल रहा तो महोदय। सदन में तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में पुल के अप्रोच पथ टूटने को लेकर सवाल उठाया। इसका जवाब सीएम नीतीश से मांगना चाह रहे थे, लेकिन उस दौरान सीएम नहीं थे तो जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जवाब देने के लिए खड़े हो गए। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और कहा कि आप पर ही भ्रष्टाचार का आरोप है और आप ही सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस और राजद के लिए बड़ी चुनौती होगी। चुनाव के मद्देनजर दोनों दलों ने अभी से ही बिहार में अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। गौरतलब है कि इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में चुनावी समर जीतने की जद्दोजहद होगी। वर्ष 2000 के बाद के चुनाव में राजद और कांग्रेस के लिए चुनावी वैतरणी पार कराने वाले तारनहार के रूप में रहे लालू प्रसाद वर्तमान में चारा घोटाला मामले में जेल में है। इस कारण चुनाव में उनकी उपस्थिति संभव नहीं है। राजद के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभवी चेहरों को महत्व नहीं देकर उन्हें दरकिनार कर तेजस्वी यादव ने स्वयं ही चुनावी कमान संभालने का जिम्मा ले रखा है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के छोटकी कुलहरिया गांव में एक महिला ने अपने घर में ही दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका का एक बेटा भी है। मृतका सविता देवी की उम्र 23 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मोहनिया थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और घटनास्थल से दुपट्टा को बरामद किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस अब बड़ा मामला बन गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस मामले पर जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, उससे बिहार के आम लोगों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों द्वारा उद्धव सरकार की निंदा की जा रही है। बीजेपी जदयू के बाद अब इस मामले पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उस पर शक जताया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेंद्र कुमार मुन्ना ने तो सीधे सीधे इस मामले में शिवसेना के किसी खास व्यक्ति के जुड़े होने का अंदेशा जताया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जिस तरह से बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, वहीं बिहार के अधिकारियों को जांच करने में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है, उससे पूरा मामला अब संदिग्ध बनता जा रहा है। इस मामले को लेकर बिहार में आक्रोश व्याप्त है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मामले की निंदा की है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस अब भी महाराष्ट्र सरकार का समर्थन कर रही है।
इधर कांग्रेस के इस रवैये पर बिहार बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार का माटी के लाल उभरता हुआ कलाकार सुशांत सिंह राजपूत मौत केस मामले में कांग्रेस पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी वाली दोगली नीति को बंद करे और बिहार के स्वाभिमान से न खेले। बिहार में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रोज नए रिकॉर्ड राज्य में बन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिन का पहला अपडेट जारी किया गया है। राज्य में एक साथ 2,297 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके साथ राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 59,567 पर पहुंच गई है। जिन जिलों में संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं उसमें राजधानी पटना में 293, बेगूसराय में 130, कटिहार में 137, वैशाली में 115, सहरसा में 90, पूर्णिया में 72 और रोहतास में 68 मामले शामिल है। जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के पकर तल्ला गांव के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ है, वहीं इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से जा रही एक ट्रक के चालक का संतुलन बिगड़ गया, इसी दौरान ट्रक एक बाइक से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार पीरपैती थाना क्षेत्र के हुजूर नगर निवासी संजय राम की पत्नी प्रीति देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संजय राम और दो बच्चे मामूली रूप से घायल हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा, हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा, और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ, रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार, पोषक तत्व से भरा है ये पशुओं का है संतुलित आहार, परिवार में आई खुशहाली सुख से भर गया घर संसार, चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया सोना गोल्ड ही लाना, बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा, सोना गोल्ड खिलाओ खूब कमाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के सुपौल में कोसी नदी रेल महासेतु पर ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया। तकरीबन 85 साल बाद कोसी इलाके में ट्रेन की सीटी लोगों ने सुनी। मध्य पूर्व रेलवे के सरायगढ़ स्टेशन से कोसी रेल पुल से होकर आसनपुर कुपहा के बीच नई रेल लाइन पर रेल अधिकारी के निगरानी में ट्रेन का कई बार स्पीडी ट्रायल किया गया। ट्रायल को लेकर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आम लोगों को पटरी और रेल महासेतु से दूर रहने के लिए माइकिंग और पोस्टर चिपकाकर अपील किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में पटना के महावीर मंदिर की रघुपति लड्डू का भोग लगेगा। इसके लिए 1,25,000 रघुपति लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। पटना हनुमान मंदिर के सचिव किशोर कुणाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रसाद को बनाने के लिए महावीर मंदिर न्यास पटना की ओर से जरूरी सामग्री अयोध्या भेजी गई है। वहीं रघुपति लड्डू बनाने के लिए महावीर मंदिर पटना के 20 कुशल कारीगर शेषाद्री की अगुवाई में अयोध्या पहुंच गए हैं। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि अयोध्या में रघुपति लड्डू का भोग लगने के बाद बिहार के सीतामढ़ी में स्थित जानकी जी के जन्म स्थान मंदिर पुराना धाम में तथा जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वहां के मंदिरों में प्रसाद भेजा जाएगा। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक राहत की खबर है। बिहार में कोरोना के मरीजों को अब रेम डेसिविर दवा की खुराक देने की अनुमति मिल गई है। बिहार में कोरोना के मरीजों में
इम्यूनिटी बढ़ाने और कोरोना वायरस के इलाज को लेकर हाल ही में तैयार की गई दवा रेमडेसिविर की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने रेमडेसिविर दवा दिए जाने को लेकर अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस दवा के अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को दिए जाने से जीवन रक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। बिहार में अभी कोरोना के 18,722 एक्टिव मरीज है। कोरोना के इलाज को लेकर भारत के दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ने इस दवा को दिए जाने की अनुमति दी है। यह दवा कोरोना महामारी की रोकथाम में काम आती है। बिहार में एक बार फिर से अच्छी बारिश होने के आसार हैं। लगातार उमस भरी गर्मी से जल्द ही पटना के लोगों को राहत मिल सकती है। प्रदेश में 5 अगस्त से फिर अच्छी बारिश के आसार है। अभी बिहार से ट्रफ लाइन दक्षिण की तरफ खिसक गई है। हालांकि 2 दिन बाद से बिहार में एक बार फिर कम दबाव का केंद्र एवं चक्रवाती सिस्टम विकसित होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में अभी तक सामान्य से 44% अधिक यानी 776 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SDF न्यूज। नमस्कार।